अगर आप जीएसटी सहित टेलीडोर ईआरपी 9 सीखकर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक डिसेंट जॉब और हैंडसम सैलरी पाना चाहते हैं, या सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी आरएसएन कोर्स करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए टेली एकेडमी सिविल लाइंस जयपुर। नमस्कार, मैं हूं जॉर्ज ग्रोवर और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने अब तक जितने भी व्यापारिक सौदों यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन की जनरल प्रविष्टि करनी सीखी, वे ऐसे सौदे हैं, वो ऐसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि बिजनेस में 50% तक होते हैं। हमने सीखा नकद में माल खरीदने की एंट्री करना, उधार में माल खरीदने की एंट्री करना, नकद में माल बेचने की एंट्री करना, उधार में माल बेचने की एंट्री करना, रुपयों का प्राप्त होना, पैसों का दिया जाना यानी रिसीप्ट्स और पेमेंट्स, इनकम और एक्सपेंसेस, खर्चे और कमाइयाँ, इनकी एंट्रियाँ करना सीखा। तो ये एंट्रीज, ये सौदे, ये इस प्रकार के सौदे हैं जो कि बिजनेस में आम तौर पर ज़्यादातर होते हैं। अब हम आने वाली क्लासेस में कुछ ऐसे सौदों के बारे में देखेंगे, कुछ ऐसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में जानेंगे जो कि आमतौर पर बहुत कम होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, कभी कभी हुआ करते हैं। यूँ कह सकते हैं कि बिजनेस में जितने भी व्यापारिक लेन देन होते हैं, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, उनमें से 30% ही इस प्रकार के सौदे होते हैं। अब हम उन सौदों के बारे में सीखेंगे जो कि रोजाना तो नहीं होते लेकिन कभी कभी होते हैं।